सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों अभी बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है और आखिरी फैसला भी कर दिया है एस श्रीशांत को लेकर, जहां पर एस श्रीशांत फिक्सिंग के मामले में पकड़े गए थे, जिसके चलते इन पर बीसीसीआई ने प्रतिबंध कर दिया था, आजीवन बैन लगा दिया था इनके ऊपर, ये क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा फैसला सुना दिया है और इनके ऊपर बैन हटा दिया है बीसीसीआई ने। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या है पूरा माजरा, आखिरकार कब से एस श्रीशांत क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं, क्या वो अगले साल यानी कि आईपीएल 2020 में खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज अपडेट लगातार पाने के लिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो साल 2013 में जहां पर एस श्रीशांत आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच खेलते हुए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन लुटाने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे, जो कि ये बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी उस टाइम पर, जहां पर बीसीसीआई ने यह केस पकड़ा तो बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था यानी कि फिक्सिंग के मामले को लेकर। और एस श्रीशांत नहीं बल्कि इनके साथ दो और खिलाड़ियों को फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे, जिनके चलते एस श्रीशांत समेत उन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था और बीसीसीआई ने उसी टाइम से उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया था, यानी कि वो वहां से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। और ये केस भी कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, जहां पर एस श्रीशांत खुद को इनोसेंट, खुद को बेगुनाह बता रहे थे। और अब यहां पर बीसीसीआई श्रीशांत के ऊपर मेहरबान हो गई है, जी हां, जो कि स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत को बीसीसीआई लोकपाल ने राहत भरी खबर सुनाई है। बीसीसीआई लोकपाल डी के जैन ने अपने आदेश में कहा है कि श्रीशांत का बैन आजीवन से घटाकर 7 साल कर दिया गया है और अगले साल अगस्त में उनका बैन समाप्त हो जाएगा। जी हां, जब ये स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़े गए थे तो इन पर बैन बीसीसीआई ने अगस्त या फिर सितंबर के महीने में लगाया था साल 2013 में, वहां से अगर जोड़ा जाए तो साल 2020 के अगस्त के महीने में खत्म हो जाएगा इनका बैन। ऐसे में अगले साल अगस्त में ये दोबारा क्रिकेट खेल सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि वहां से इंडिया या फिर किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगले साल आईपीएल 2020 में खेल पाएंगे या फिर नहीं, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगले साल तो इनका बैन खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो दोस्तों यहां पर आईपीएल 2020 तो मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे में अगले साल तो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल में किसी भी टीम की तरफ से, लेकिन आईपीएल 2021 के लिए अवेलेबल रहेंगे, किसी भी टीम की तरफ से खेल सकते हैं, वो ऑक्शन में भी दिखाई दे सकते हैं। अब वहां पर ऑक्शन में चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीदे या फिर राजस्थान रॉयल्स जो उनकी पुरानी टीम थी, या फिर मुंबई इंडियंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, कोई भी टीम हो सकती है। तो गाइस अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर दें।